नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों अमेरिका में नासा के वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, तो वहीं हमारे भारत के वैज्ञानिक भी कुछ कम नहीं। हाल में एक खोज हुई है जिसको देश में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आइए देर न करते हुए चलते हैं इस रिसर्च की तरफ। इस शोध का नेतृत्व रोम विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलोनोरा ट्रोजा ने किया है। यह रिपोर्ट नेचर मैगजीन में पब्लिश भी की जा चुकी है। एरिज के निदेशक प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी का कहना रहा कि इसमें दो राय नहीं है कि एरिज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस खोज से देश को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। एरिज की डॉट दूरबीन से प्राप्त डेटा की सराहना भी की गई है। डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने बताया कि यह विस्फोट पृथ्वी से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुआ, जिसे एरिज की डॉट हबल कलर और ऑल्टो ऑब्जर्वेटरी के अलावा कई अन्य जमीनी दूरबीनों की मदद से देखा गया। यह घटना पृथ्वी से नज़दीक थी, इसलिए यह हमें दिखाई दी। इससे भी दूर इस तरह की घटनाएँ होती रही होंगी जिन्हें हम देख नहीं सकते। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा प्रकाश वाले GRB किलोनोवा विस्फोट का पता लगाया है। इस खोज को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे आकाशगंगाओं में होने वाले गामा रे विस्फोट की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसको समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज के वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे के नेतृत्व में ये शोध किया गया। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में भयानक विस्फोटक घटनाएँ होती हैं जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक आज भी अधिक नहीं जान सके हैं। ऐसी ही एक घटना गामा रे विस्फोट है, जिसमें दो विशाल तारों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है और फिर वह दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं, यानी कि मिलकर एक हो जाते हैं। आपस में टकराने से जबरदस्त विस्फोट या एनर्जी होती है। तेज रोशनी के साथ उच्च ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ऐसे विस्फोटों में चंद सेकेंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जो हमारे सूर्य के जीवन भर ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा होती है, जिसे देख पाने में कई दूरबीन का सहारा तो लिया गया, लेकिन एरिज की 3.6 मीटर डॉट ऑप्टिकल दूरबीन का अहम रोल रहा। इसके 4K CCD इमेजर की बड़ी भूमिका रही, जिससे काफी सटीक आंकड़े जुटाए जा सके, जिससे इस खोज में बड़ी उपलब्धि मिली। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस रिसर्च की कि नैनीताल के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजा ऐसा विस्फोट जो हमारे सूर्य की पूरी जिंदगी के बराबर ऊर्जा छोड़ रहा है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इस रिसर्च में इतना ही। और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे नए रिसर्च के साथ। इजाज़त दें, नमस्कार।